चुनाव तो लड़ना है, पार्टी से लड़ें या अथवा टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे। ये कंफर्म है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ, एमएलसी चुनाव कंफर्म है कि लड़ूंगा। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं एसईओ न्यूज। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका एसईओ न्यूज मॉर्निंग में, आपके साथ है यूनुस। मैं बता दूँ, रईस खान साहब जी का आगमन हुआ, पहले इनको उन्होंने बरहनी में अपना दस्तक दिया, उसके बाद सीधे अठखम्मा गए, तबीयत ख़राब तो उनका, उसके बाद सीधे मुर्गे टो लगे, नजर इमाम का भी तबीयत ख़राब तो उनका भी जायजा लिए। अब ये लगवाने पहुंच चुके हैं, कई इनके जन समर्थक देख सकते हैं, पूरा जन सैलाब के साथ इनका भाई भाई स्वागत कर रहे हैं, अभी इनका देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम। उसके बाद से हम उनसे खास बातचीत करेंगे, चूँकि चुनावी के दौरान काफ़ी जितना सीसी साहब जिस तरीके से जवानों का नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, कैसा लग रहा है? आप गदगद हो जा रहे हैं, पूरे हर एरिया में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सिवान के समस्त जनता हमारे साथ है, हम उनके साथ। रईस साहब आपके साथ हर दम पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह देखे गए थे, लेकिन आज नहीं देखे जा रहे हैं, कमी खल रही होगी जाहिर सी बात है। अरे श्याम बहादुर भाई अभी बाहर हैं, कलकत्ता गए हुए हैं, उनके छोटे भाई भी हमारे साथ, उनके बड़े भाई हैं हमारे साथ। आप अठखम्मा में गए थे, क्या कुछ वहाँ पे बातें हुई उनसे? कहाँ गए थे अठखम्मा, कोई करीबी थे या ऐसा कुछ? तो अठखम्मा में गए थे, कुछ अपने लोग थे उनसे मिलने गए थे, सारे लोग उससे मुलाकात कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोग काफ़ी दिनों से कयास लगा रहे थे कि रईस खान जी साहब का जदयू में आगमन होगा, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा है, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है? ये तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तय करेंगे ना। नीतीश कुमार इससे बातें हुई इसके बारे में? बातें चल रही है, अभी बातें चल रही हैं। एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि अगर पार्टी ज्वाइन नहीं होगा तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या ये सत्य है? चुनाव तो लड़ना है, पार्टी से लड़ें या अथवा टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे। ये कंफर्म है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ, एमएलसी चुनाव कंफर्म है कि लड़ूंगा। क्या लग रहा है रईस खान जी साहब इस बार सिवान में बाजी मार देंगे? तो समस्त सिवान की जनता के ऊपर है, और जितना जन सैलाब मेरे साथ है तो पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि चुनाव मैं जीतूँगा। किंग भी बन रहे हैं और किंग मेकर भी बन रहे हैं देखा जा रहा है, तो क्या ये सत्य है? किंग बनेंगे, किंग मेकर अभी नहीं बनेंगे, अभी किंग बनेंगे। किंग बनेगा, लेकिन एक बात है और मैं राजनीति से सवाल करना चाहूँगा, लेकिन कौन सी कमी है जो कि सिवान में खल रही है, आपको जीतने के बाद उस कमी को पूरा करेंगे? सिवान में जितने भी विकास या काम जो भी रुका हुआ है उसको पूर्ण रूप से जीतने के बाद तुरंत पूरा किया जाएगा। क्या लग रहा है सिवान विकास से अभी पीछे है आपके हिसाब से? अभी तो बहुत पीछे है, हर जगह पीछे है, हर एरिया में घूम रहे हैं क्या प्रतिनिधि, आप पूरा पूरी तरीके से सहमत है? नौजवान तो पूरा जन सैलाब देखा जा रहा है, तो ये चीज़ तो आप लोगों ने बताइएगा, हम हैं ये चीज़ तो आप लोग बताएगा, आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक, और जितना जनसंपर्क है, जितने लोग हैं दिल से मिल रहे हैं, मेरे पास जितने भी लोग हैं वो दिल से अपनाए हुए हैं हमको। क्या लिखा है तो श्याम बहादुर सिंह का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर? श्याम बहादुर भाई बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आप उनको बड़े भाई बोलते हैं, हमने उनसे कई मरतबा इंटरव्यू के दौरान बात किया, वो बोलते हैं रईस भैया, हमको समझ में नहीं आता आप उनके भाई हैं या आप उनके बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं, ये स्पष्ट कर दीजिए आप। वो बड़े भाई हैं हमारे, श्याम बहादुर सिंह बड़े भाई हैं। चलिए, क्या कुछ अपील करेंगे चलते चलते सिवान के आम जनता से, आम जनप्रतिनिधियों से? जो भी जीत के आए, सब लोग जीते हैं या हारे हैं, अच्छे से चुनाव में लगे रहें, जीत हार तो लगी रहती है। जितने भी सिवान के जनप्रतिनिधि, मुखिया हों, जिला परिषद हों, BDC हों, चुनाव में प्रेम भाव से अपना लड़े कि गांव की ये राजनीति है, समझे, और कोई उसमें अपने आपस में अपना चुनाव जो भी जीत के लाता है उसका स्वागत है। क्या लग रहा है रईस जी साहब की आप पूरी तरीके से आप जनसंपर्क पूरा चालू कर दिए, रफ्तार कर दिए पूरे सिवान में? जी, और पूरे सिवान के हर पंचायत से मांग है कि भैया आप मेरे पास आइए, मेरे यहाँ आइए, और हर जगह समय निकाल के हर जगह दौरा कर रहे हैं। टूटे हुए दिलों का सहारा रईस खान, हर कौम कह रही है हमारा रईस खान, अब कोई जुल्म ढा नहीं सकता गरीब पर,
अब कोई जुल्म ढा नहीं सकता गरीब पर, मजलूमों बेकसों का सहारा रईस खान। अब कोई कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि सिवान से जो है सारा युवा रईस खान के साथ है, और जब भी जोत पड़ेगा पूरा सिवान जो है खड़ा हो जाएगा उनके लिए, और मैं पूरा समर्थन कर रहा हूं उनका रईस खान का। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि सभी भाई लोग जो है रईस खान को मजबूत करें, क्योंकि आने वाले टाइम में रईस खान एक ऐसा बंदा, मतलब ऐसा नेता होगा कि जो बहुत कुछ करेगा। इसलिए सिवान के लिए सभी को मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग समर्थन करें सिवान का। जी मेरा परिचय फैसल खान, मैं मोतिहारी से हूँ। जुनून देखा जा रहा है रईस खान के प्रति, जी क्या ऐसा दिखा है आपको? जी मेरा नाम आदिल खान है और मैं लवान का ही रहने वाला हूँ। सबको मैं यही अपील करूँगा कि एक बड़े और मजबूत लीडर को चुने जो कि रईस खान साहब हैं। और आप ये जन सैलाब युवाओं का देख रहे हैं, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं और युवाओं का बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा जन सैलाब दिख रहा है, और सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है, और आने वाले समय में चुनाव में आपका नतीजा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा।